वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने सोचा है कि मैं आज ना बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ लाऊंगी अपने घरों में लगाने के लिए, मतलब अपने घर में लगाने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, अपार्टमेंट में, तो यहाँ इतना ज़्यादा जगह नहीं है, पर हाँ बालकनी में जितना जगह है, मैंने सोचा है कि अच्छे अच्छे पेड़ लेके आती हूँ, गमले में लगाती हूँ, और फिर इंडोर भी प्लांट्स कुछ लेके आऊँगी। तो बस जा रही हूँ प्लांट्स लेने के लिए, और फिर मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं, फिर आके घर भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगाए हैं सारे। ठीक है, तो अभी जा रही हूँ मैं, रेडी तो नहीं होना है, बस पास में ही जाना है, तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, तो फिर आके मिलते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा फेवरेट स्कूल के रोड साइड का मैं खा रही हूँ, और सच में मेरा फेवरेट है। जब भी मैं बाहर आती हूँ, मतलब बहुत दिन बाद खा रही हूँ, बाहर तो आती रहती हूँ पर खा नहीं पाती हूँ, पर वो आज स्पेशली मेरे सिस्टर के एग्ज़ाम के बाद मैं स्कूल के खाने आती हूँ, खा के बहुत देख चुकी हूँ। इतना टेस्टी बनता है यार, रोड साइड का भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी। हेलो, तो मैं आई थी नर्सरी में, कुछ पेड़ लगाना था, ले जाना था, देखते हैं कौन सा पेड़ ले जाते हैं। भैया एक बात बताइए, आप हैं यहाँ? अच्छा, किसको पसंद है पेड़ लगाना, मुझे तो बहुत पसंद है। जो मेरा गांव वाला घर है वहाँ पे हमने बहुत पेड़ लगाए। हाँ भैया दिखाओ, वाइट कलर में दिखाना गमला, वाइट में चाहिए। वाइट वाला दिखाओ, ये देखो। लग जाएंगे ना इसी में? हाँ हाँ, तो लगा दो ये वाइट वाला, एक ही कलर के दे दो। सात। कितने पेड़ हैं टोटल? सात। हाँ सात दे दो। अभी मैंने सोचा ना कि अभी घर लेके जाऊंगी और लगवाऊंगी, तो इससे अच्छा भैया से ही लगवा लेती हूँ यहाँ पे। ये लोग अच्छे से लगा देते हैं, इनको पता भी होता है कि कौन सा इसमें खाद वगैरह जो भी पड़ता है। तो भैया से मैंने बोला लगा के आप दे दीजिए, ये सारे पेड़ लिया है मैंने, बोला ये लगा लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर और लेके जाएंगे। आज सात आठ लेके जाते हैं, इसके बाद लेके जाएंगे। तो जो मैंने बोला था कि मैं गई थी पेड़ लाने के लिए, तो वो आपको मैंने क्लिप ऐड कर दिया, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मैं इंडोर प्लांट लाई थी वो आपको दिखाती हूँ। फर्स्टली तो मैं ये वाला लेके आई थी, तो ये आपको कैसा लग रहा है यार? इसका नाम उन्होंने क्या बताया था मुझे पता नहीं, पर मुझे काफ़ी सुंदर लगा तो मैं लेके आई। और ये इसमें आपको क्या करना है ना कि डेली पानी भी नहीं देना है, मतलब आपको आपको हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पानी देना है, स्प्रे करना है, बाकी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इंडोर में ये प्लांट लाया, अभी इसको रखने का मुझे जगह बनाना है कुछ। मैंने सोच रही हूँ कि स्टैंड मंगाऊँ जिसमें सारे इंडोर प्लांट्स रखूँ, रूम में या हॉल में, जहाँ भी। और एक ये लाई हूँ मैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक ये लेके आई हूँ, इसमें भी आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे करना है पानी का, ज़्यादा पानी नहीं देना है, और काफ़ी सुंदर लगता है। देखो घर में अगर ग्रीनरी हो तो उसकी बात ही अलग है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना पेड़। बाकी ये वाला लेके नहीं आई हूँ, ये आर्टिफिशियल है। तो बाकी और पेड़ बालकनी में रखा है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो बैठ जाती हूँ। पता है आप जो मुझे खुश देख रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे पेड़ पौधे लगाना इतना पसंद है कि जो मेरा होम टाउन है घर, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे, बहुत सारे। मुझे बहुत खुशी मिलती है पेड़ लगाने से, सच में। मतलब आपके घर में ग्रीनरी हो ना तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव। मैं जो पेड़ लाई थी ना वो आपको दिखाती हूँ, तो वो उन लोगों से मैंने लगवा के लाई थी, मैं खुद से नहीं लगाई थी। तो देखो ये रोज, ये पाम ट्री, एक और ये ग्रीनरी, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये भी पाम ट्री है। और एक ये जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है, गुड़हल बोलते हैं इसको आई थिंक। और ये तुलसी जी माता का पेड़, क्योंकि तुलसी जी की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो फिर कितना कैसा लग रहा है आपको, आप बताना जरूर। तो एक ये है पेड़, रोज पाम ट्री, ये। तो आपको कैसा लग रहा है आप बताना, और भी सारे पेड़ लाऊंगी, अभी तो इतना लाई थी तो लगा दिया था। सो हम आ गए हैं टहलने के लिए, थोड़ा सा टहलने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सोचा कि फिर शाम को जाएंगे, थोड़ा टहल के आएंगे बाहर कुछ खा के, क्योंकि मेरी आई है फ्रेंड आज,
तो आज हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर कुछ खाने पीने, थोड़ा सा बाहर का मतलब गेट के बाहर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो हम आ गए थे नारियल पानी पीने के लिए। तो ठीक है, लगा लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना भी नहीं पाई, बस पेड़ लेने गई थी और वो लगा दिया और मेरी फ्रेंड आई थी तो उसके साथ ही मैं पूरा टाइम रही, तो इसलिए ज़्यादा दिन बाद हम मिले थे तो हमने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया इसी वजह से। तो आपको कल का ब्लॉग जो मतलब आज का ब्लॉग तो कल डालेंगे, पर कल जो ब्लॉग बनाएंगे परसों जो आप देखेंगे बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम कल जाएंगे घूमने अपने दोस्त के साथ तो काफ़ी मज़े करेंगे। और वैसे भी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसीलिए कुछ और भी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बना पाई। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं स्किन केयर करके सोने, बहुत थक गए। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।